दोस्तों आज आप टोक्यो ओलंपिक से जुड़े 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। नंबर 1, टोक्यो में 32वां ओलंपिक गेम्स होने जा रहा है जिसमें भारत की ओर से 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया है जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। जापान ने ओलंपिक गेम्स के आयोजन पर कुल $15 बिलियन खर्च किए हैं। नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाई इति नाम दिया गया है। शुभंकर किसी भी खेल के पहचान चिन्ह होते हैं जो खेल समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों के 339 इवेंट होंगे। ये अब तक के ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है। नंबर 4, टोक्यो ओलंपिक में मेडल दान में मिले सोने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाए गए हैं। इसके लिए लोगों से खराब हो चुके मोबाइल और गैजेट्स दान करने की अपील की गई थी और उसमें से सोना चांदी और जरूरी मेटल निकाल लिए गए, उसे रिसाइकल करके फिर मेडल बनाया गया है। नंबर 5, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहली बार खुद ही अपना मेडल गले में डालेंगे। इससे पहले कोई दूसरा व्यक्ति विनर को मेडल पहनाकर उसका सम्मान करता था, लेकिन इस बार ये नियम सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बदल दिए गए हैं। नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक को देखने के लिए इस बार दर्शक स्टेडियम में मौजूद नहीं होंगे, इस बार टीवी पर ही गेम्स को दिखाए जाएंगे। नंबर 7, ये पहला ओलंपिक है जिसमें रोबोट खिलाड़ियों की मदद करते देखे जा रहे हैं ताकि समय और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। नंबर 8, टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है जिसमें कराटे, क्लिंबिंग, सर्फिंग, बेसबॉल और स्केटबोर्डिंग जैसे मजेदार खेल भी शामिल हुए हैं। नंबर 9, इस ओलंपिक में पहली बार महिला बॉक्सिंग के 5 इवेंट हो रहे हैं। इससे पहले 3 इवेंट होते थे जबकि पुरुष इवेंट की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गई है। नंबर 10, टोक्यो एशिया का पहला शहर है जो दूसरी बार ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले ओलंपिक गेम्स 1964 में हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पहली बार हराकर गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।